महिला का महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी, एक महिला चुनी जाएगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50 हजार नहीं, 60, 70, 80, 90 हजार नहीं, 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों, ठगा ठग, ठगा ठग, ठगा ठग, ठगा ठग, 8,500 रुपए साल के 1,00,000 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए अंदर किसानों को। मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ, और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और
नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकौड़े तलो। सही बात है, ये देश के युवाओं से कहा पकौड़े तलो। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले एक साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे एक साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए महीने के ठगाठग 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 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों, इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, झांसी के जो छोटी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, सारी की सारी बंद कर दी। अब हम बैंक के दरवाजे छोटे बिजनेसेस के लिए खोलने जा रहे हैं, जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, कम से कम टैक्स होगा। भाइयों और बहनों, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, महिलाओं के जेब में, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा आएगा, वैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में। जैसे ही आप खर्च करोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो जाएगी।